Now the remaining examples of let's or let us do. For example, here I am. Ravi said, let's go to some holy place. Sentence किससे begin हुआ है? Let's. Let's से begin हुआ है तो आप इसको Ravi चाहो तो propose कर सकते हो और चाहो तो इसको suggested कर सकते हो. Both are right. चाहे propose करें चाहे suggested करें दोनों में से एक. यहाँ connective लगा दिए क्या? Let's को हटा के आप be should be कर सकते हो और be should के स्थान पे आप क्या कर सकते हो? They should be कर सकते हो. We should, they should, let's हट गया और आगे का सेंटेंस चेंज टू डायरेक्ट गो टू सम होली प्लेस. ओके, मैं ये कहूं कि मोनू सेड टू मी लेट अस प्ले हॉकी मैच. प्ले हॉकी ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि लेट्स आया है लेट्स आता है क्योंकि अपोस्ट्रोफ भी लग के है वहां से इनको ऐड कर रही है. बाकी क्या है क्या करेंगे? मोनू प्रपोज टू को आपको सेट टू को प्रपोज टू बना दो. प्रपोज टू और चाहे तो इसको बना देते हैं हम सजेस्टेड. मी कनेक्टेड क्या लगा दिया? लेट अस को चाहिए तो बदल देंगे वी शुड बी और चाहो तो बदल देंगे दे शुड बी और आगे का लेटेस ले लेना प्ले ए हॉकी. ठीक है, और भी हम देखना चाहे मैंने कहा देव शेल लेट अस सिंग ए सॉन्ग. ठीक है, क्या कहेंगे? देव सजेस्टेड. यदि सेट टू होता तो सेट टू चेंज इनटू सजेस्टेड टू. देव सजेस्टेड कनेक्ट कर आ गया लेट दे शुड लेट सड़ गया सिंग ए सॉन्ग. ये हो गया. और भी यदि देखना चाहे मैंने कह दिया श्याम सेड टू मी लेट्स गो फॉर ए वॉक. गो फॉर ए वॉक. ओके, क्या कहेंगे नेक्स्ट? अभी अपन देखना चाहेंगे क्या होगा. श्याम केवल सेड टू आया है तो किसम हो जाएगा सजेस्टेड. प्रपोज भी कर सकते हो सजेस्टेड टू अपना प्रपोज टू मी कनेक्टेड क्या लगा दिया दैट लेट्स के स्थान क्या हो जाएगा वी शुड या दे शुड करने वी शुड गो फॉर ए वॉक. ओके, नाउ द इंपेरेटिव काइंड्स इनडायरेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड टू यू. आप कंप्लीट कर लें यू फाइव काम करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस. यू नंबर फर्स्ट कहता है इफ द सेंटेंस बिगिन विद बी फर्स्ट. यदि सेंटेंस बी फर्स्ट से प्रारंभ हुआ है तो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ आर सुना होता है. दूसरा नेवर वाला हो गया. तीसरा आप लोगों का हो गया नेवर के अलावा जब आप बात करेंगे तो नेट वाला हो गया. चौथा आप लोगों का डू नॉट वाला हो गया जो इंपेरेटिव नेगेटिव है. और द लास्ट हो गया आपका लेट्स और लेट अस. नाउ द इंपेरेटिव काइंड्स नरेशन हैज बीन कंप्लीटेड. We will discuss about the optative sentences into the next video. Thank you.